देखते हैं लेक्चर नंबर 33 पार्ट बी, जहाँ पे हम शुरू करेंगे इन्वर्जन चार्ज के कॉन्सेप्ट से। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या देखा है कि वीजी को हम कुछ इस तरीके से बढ़ाएं कि पहले उसको वीएफबी तक लेके आएं। ओके, उसके बाद फिर उसको और फर्दर बढ़ा के वीटीएच तक लेके जाएंगे, और अब वीटीएच के बाद आपको इन्वर्जन लेयर मिल जाएगा। ओके, तो इसको हम फर्दर मोर इंक्रीज करते हैं, इसका मतलब कि हमने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा अप्लाई किया है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आपको मिलेगा, और जब यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा तो उसके अगेंस्ट में यहाँ पे आपको नेगेटिव आयन, नेगेटिव एक्सेप्टर आयन्स मिलेंगे, जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, तो ये चीज़ें यहाँ पे हो रही है। ओके, और ये है तो एक्चुअली पी टाइप, बट यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, तो जब ये एज अ कैपेसिटर काम करेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज आपको ऊपर मिलेगा और नीचे एक्सेप्टर आयन्स नेगेटिव आपको मिलेंगे। ओके, तो इसमें दो चार्ज आपको हो गए, क्यू इन्वर्जन प्लस क्यू डिप्लीशन, दो चार्ज का सम आपको मिल रहा है यहाँ पे एक्चुअली में। एक तो ये नेगेटिव आयन्स आपके हो गए और एक आपका ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो होंगे। ओके, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी आपको ऐसे चार्ज मिलेंगे, और वीजी जो है इस जगह हम उसको वीजी डैश बोलते हैं, और उसको हम वीजी वी नॉट एक्स के इक्वल मान के चलते हैं फिलहाल इस वाले केस में, इन्वर्जन चार्ज के केस में। तो जो वीजी नॉर्मली होता है और जो यहाँ पे वीजी डैश है वो आपका वी नॉट एक्स बन गया है। आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ भी ज़्यादा चेंज नहीं है, बस ये क्यू इन्वर्जन की बात कर रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है यही आपका क्यू इन्वर्जन है। ओके, ये क्यू इन्वर्जन है, बाकी ये वी नॉट एक्स अलग अलग वैल्यूज़ की बात कर रहा है कि ये आपका पोटेंशियल इतना है, इधर इतना है, ये सब चीज़ें हैं। मतलब इन दोनों के बीच में जितना भी आपका ये जो बैंड हुआ है, कितना बैंड हुआ है, उसका वोल्टेज वैल्यू वी नॉट एक्स के इक्वल है, और ये पी टाइप है, बट यहाँ पे फिर भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, और ये आपके इलेक्ट्रॉन्स है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ऑब्वियसली बात है, पी टाइप में आपके इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे, तो जब उनकी बात करेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपका एन इक्वल टू एन आई स्क्वायर अपॉन एन ए के इक्वल हो जाएगा। ओके, नॉर्मली क्या होता है, एन आई स्क्वायर इक्वल टू एन इन टू पी, पी आपका रिप्लेस हो गया एन ए से, तो उससे ये निकल के आ गया। तो ये थर्मली जनरेटेड कैरियर आपके हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन्स हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं, और ये जो आपका दूसरा वाला चार्ज है वो आपका ये नेगेटिव एक्सेप्टर आयंस वो आपका क्यू डिप्लीशन बना देगा। तो ये पहले ही हमने डिस्कस कर लिया कि क्यू डिप्लीशन इसकी वजह से है, और क्यू इन्वर्जन जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन की वजह से है। तो दो चार्ज का सम आपको मिलेगा। तो यहाँ पे सिंपल सा जो कॉन्सेप्ट होता है, क्यू इक्वल टू सी पी, जब उसको लगाएंगे तो V इज इक्वल टू क्यू बाई सी, तो इसको यूज करते हुए आपका Q की जगह V की जगह V नॉट X हो जाएगा, Q की जगह Q इन्वर्जन प्लस Q डिप्लीशन का मैग्नीट्यूड और अपॉन C नॉट X। ओके, यहाँ से फ्रॉम दिस अपॉन C नॉट X, हेंस टोटल गेट वोल्टेज की अगर अब बात करेंगे कि टोटल गेट वोल्टेज कितना होगा, तो गेट वोल्टेज आपका देखो सबसे पहले तो उसको VFB तक ही जाना तो पड़ेगा, या VFB के और ऊपर जाना पड़ेगा। उसमें क्या क्या इंक्रीमेंट आएंगे, आपका प्लस V नॉट X और प्लस 5S जो आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो अगर देखेंगे ओके, तो वी जी माइनस वी एफ बी की अगर बात करेंगे कि वी जी माइनस वी एफ बी इजकल टू वी ओ एक्स प्लस आपका फाइव एस, दो के सम के इक्वल हो गया। ठीक है, वी एफ बी को उधर लेगा, और ये दोनों ही आपका किस किस के इक्वल हो गया, वी ओ एक्स आपको पता है कि ये पूरा वी ओ एक्स के इक्वल होगा प्लस फाइव एस। अब यहाँ पे जो जो चेंजेस हो सकते हैं वो चेंजेस करेंगे, तो पहले तो इनको सेपरेटली करके लिख लेंगे, क्यू इन्वर्जन अपॉन सी नॉट एक्स और क्यू डिप्लीशन अपॉन सी नॉट एक्स। ओके, तो वी जी माइनस वी एफ बी को इधर ले गए, क्यू इन्वर्जन अपॉन सी नॉट एक्स को इधर ले गए, बाकी जो चीज़ें उनको एज इट इज लिख दिया। ओके, बट ये सारे माइनस हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि अब हमने क्यू इन्वर्जन अपॉन सी नॉट एक्स को इधर ले गए हैं, और इसका उल्टा बोला जाए तो क्यू इन्वर्जन सी नॉट एक्स को इधर ही रहने दिया है और बाकी इन दोनों को उठा के हम उधर ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, वी जी माइनस वी एफ पी, और उससे ये दोनों माइनस हो जाएंगे, माइनस क्यू डिप्लीशन अपॉन सी नॉट एक्स माइनस क्यू एस फाइव एस, तो ये हो गया। तो अब यहाँ से इसको एज इट इज लिखा, वी जी माइनस वी एफ पी, तो इस पूरे को एक साथ कर दिया। ओके, ये वी एफ बी क्यू डिप्लीशन अपॉन सी नॉट एक्स और फाइव एस, इसको एक साथ कर दिया। अब ये जो पूरा आपको वैल्यू है, ये आपको पता है कि ये वी टी एच के इक्वल है, जस्ट हमने 33 पार्ट ए लेक्चर में इसी को सॉल्व किया था, ये पूरा तीनों टर्म मिला के आपका वी टी एच बनाते हैं। जब ये वी टी एच बनाते हैं तो वी जी माइनस ये पूरा वी टी एच हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो पूरा टर्म है क्यू इन्वर्जन अपॉन सी नॉट एक्स इक्वल टू वी जी माइनस वी टी एच के इक्वल हो जाएगा फिलहाल, फॉर इन्वर्जन, इन्वर्जन के लिए जो आपका फाइव एस है वो टू फाइव एफ के इक्वल होना चाहिए, ये भी हम काफ़ी बार इस पॉइंट को देख चुके हैं। ओके, और क्यू इन्वर्जन अपॉन सी नॉट एक्स जो है वो आपका वी जी माइनस वी टी एस के इक्वल हो गया, ये तो हमने ऊपर देख ही लिया कि ये टर्म निकल के आया है। तो क्यू इन्वर्जन अब आपका कितना हो जाएगा, जो एक्चुअली में इन्वर्जन चार्ज की अगर बात करेंगे, इन्वर्जन लेयर के चार्ज की, तो सी नॉट एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है क्यू इक्वल टू सी वी होना चाहिए। तो अगर किसी भी तरीके का चार्ज है तो किसी भी तरीके के कैपेसिटेंस और आपका पोटेंशियल डिफरेंस का प्रोडक्ट के इक्वल ही होगा, तो सी नॉट एक्स और इंटू वी जी माइनस वी टी एस। तो इन्वर्जन चार्ज डेंसिटी की अगर बात करेंगे तो वो ये आ गया, और इसकी यूनिट आपका कूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पर यूनिट एरिया तो हमेशा लेना ही है। तो क्यू इन्वर्जन मीन्स ऑल द वी जी अबव वी टी एस इज क्रिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब है कि वी जी के ऊपर जितना भी आपको वी टी एस मिल रहा है
वो सारा का सारा आपका इलेक्ट्रॉन्स बना रहा है, इन्वर्टर चार्ज को क्रिएट कर रहा है। ओके, मतलब वी जी माइनस वी डी एच समथिंग इसको लेना है। ओके, तो वो सारा का सारा आपका इन्वर्जन चार्ज को क्रिएट करेगा। तो एक ही पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं कि अगर आपका वी जी वी टी एस से कम होगा, अब ये तो आपको पता है वी जी वी टी एस से कम होगा तो आपका इन्वर्जन चार्ज जो होगा वो काफ़ी वीक होगा और उसको नेग्लिजिबल ही मान सकते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये ऑरेंज वाला है कि वी जी इज़ लेस देन वी टी एच, तो आपका देन क्यू डिप्लीशन इज नेगेटिव, जो क्यू डिप्लीशन होगा वो नेगेटिव होगा विच इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, क्यू डिप्लीशन का मैग्नीट्यूड नेगेटिव होगा जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता, ऑब्वियसली बात है। इट मीन्स दैट वी जी, अगर वी जी लेस देन वी टी एच है तो इन्वर्जन चार्ज आपके नेग्लिजिबल है। ओके, तो ये सबको पता है कि वी जी और वी टी एच, अगर वी जी वी टी एच से छोटा है तो कोई, ये तीन आपके अलग अलग केसेज आते थे, ये आपका वी एफ पी हो गया, ये वी डी एच हो गया। आपको पता है कि आपको स्ट्रॉन्ग जो इन्वर्जन लेयर मिलता है वो आपको यहाँ मिलता है, इस जगह मिलता है। ओके, तो यहाँ स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन लेयर मिलता है। अब आपका वी एफ बी के पहले तो आपको एकुमुलेशन मिलता है और यहाँ पे दो चीज़ें मिलती हैं, आपको डिप्लीशन मिलता है, पर वी टी एस से अगर थोड़ा कम भी है आपका जो वी जी है, ओके वी जी थोड़ा कम भी है, वहाँ पे वो इन्वर्जन देनों तो लगेगा पर वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो एक्चुअल इन्वर्जन आपका वी टी एस से ज़्यादा ही मांगते हैं। तो अगर वी जी किसी भी केस में वी टी एस से थोड़ा भी कम है तो वहाँ पे हम इन्वर्जन चार्ज को नेग्लिजिबल ही मानेंगे, उसको इग्नोर कर देंगे। तो कंक्लूजन क्या है कि एस वी टी इज इक्वल टू वी टी एस, ठीक है। थ्री डिफरेंट केसेज हैं, कुछ ज़्यादा यहाँ पे हार्ड नहीं है, सिंपल सा चीज़ है कि तीन अलग अलग केस हैं। पहला कि वी जी इज इक्वल टू वी टी एस पे आपका क्यू इन्वर्जन ऑब्वियसली बात है प्रेजेंट नहीं होगा। ओके, वी जी इज ग्रेटर देन वी टी एस पे आपका ऑब्वियसली बात है कि प्रेजेंट होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी उसकी, यहाँ तो कोई मतलब सोचने वाली बात ही नहीं है इन दो केसेज में। तीसरा केस आता है कि वी जी आपका वी टी एस से जब कम है। ओके, अच्छा इस केस में एक इंपॉर्टेंट बात और देखो कि वी जी जब एग्जैक्ट इक्वल है वी टी एच के तो वहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है इन्वर्जन चार्ज का वो आपको जीरो होगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। ओके, जब एग्जैक्ट इक्वल है। ओके, नॉर्मल केस तो वो था कि आपका जो वी जी है अगर वो वी एफ पी के इक्वल है तो वहाँ तो इन्वर्जन चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा, वो तो बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो वी जी है वो वी टी एच के इक्वल है तो वहाँ पे क्यों इन्वर्जन आपका जीरो होगा, आपको ये याद रखना है। मतलब कि जो वी जी है वो वी टी एस से ज़्यादा ही होना चाहिए, इक्वल पे भी आपको चार्ज नहीं मिलेगा। ओके, ज़्यादा होना चाहिए और लेस देन पे तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो फॉर ऑल आपका वी जी लेस देन वी टी एस द पॉजिटिव चार्ज अप्लाइड एट द गेट टर्मिनल विल बी बैलेंस्ड बाय डिप्लीशन चार्जेस। तो जब बात कर रहे हैं कि वी जी लेस देन वी टी एच की, मतलब वी टी आप इसको बढ़ा के वी टी एस तक ले गए, ठीक है, ये वी एफ बी है, वी टी एच है ये वाला पॉइंट, ये वी एफ बी है और आप इसको बढ़ा के ले तो गए वी जी को बढ़ा के वी टी एस तक, पर जब तक आपका इससे आगे नहीं बढ़ेगा वी जी की वैल्यू तब तक आपको बिल्कुल भी इन्वर्जन चार्ज नहीं मिलेगा। अगर इससे कम है, मान लो यहाँ कहीं है, तो जो इन्वर्जन चार्ज होगा, या बोलते हैं तो द पॉजिटिव चार्ज अप्लाइड एट द गेट टर्मिनल विल बी बैलेंस बाय डिप्लीशन चार्जेस। तो जो पॉजिटिव चार्ज हम अप्लाई कर भी रहे हैं वी जी की वैल्यू से पर वो कम है वी टी एस से, ये हमें पता है। एट द सेम टाइम ये पता है कि वो वी टी एस से कम है पर कुछ भी जो भी है हम अप्लाई कर रहे हैं वो बैलेंस हो जाएगा डिप्लीशन चार्ज से। जो डिप्लीशन चार्ज कौन सा है, नेगेटिव एक्सेप्टर आयंस वाला, ओके एन ए वाला, तो हमें यहाँ पे इन्वर्जन चार्ज नहीं मिलेगा। ओके, एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्वर्जन चार्जेस इज नेग्लिजिबल, तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा इन्वर्जन चार्जेस का वो नेग्लिजिबल होगा। द मॉस कैपेसिटर इज सेट टू बी इन डिप्लीशन मोड, और इस वाले मोड को हम डिप्लीशन मोड कहते हैं। तो पहला एक्युमुलेशन मोड सिंपल, फिर डिप्लीशन मोड और फिर आपका इन्वर्जन मोड, और इन्वर्जन में भी आपका स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन आपका मिलना चाहिए जो कि आपका कम मिलेगा, ऑब्वियसली बात है वी जी ग्रेटर देन वी टी एच के लिए मिलेगा। फिर बात करते हैं कि फॉर वी जी ग्रेटर देन वी टी एच पॉजिटिव चार्जेस अप्लाइड एट द गेट टर्मिनल इज बैलेंस्ड बाई मेनली इलेक्ट्रॉन, तो जो वी जी से हम अप्लाई कर रहे थे, देखो तो यहाँ पे ये समझने वाली बात है, इसको ध्यान से समझो। जब ये वाले केस की बात करते हैं कि वी जी जो है वो आपका लेस देन वी टी एच है, तो हम जो वी जी का चार्ज अप्लाई कर रहे हैं पॉजिटिव, तो वो किससे बैलेंस हो रहा है, बैलेंस हो रहा है मतलब कि ये एज अ कैपेसिटर काम कर रहा है, तो इस तरफ कौन बैलेंस कर रहा है, नेगेटिव एक्सेप्टर आयंस बैलेंस कर रहा है। पर अगर एट द सेम टाइम अगर बात कर रहे हैं कि जो वी जी है वो ग्रेटर देन वी टी एच है, अब जो वी जी है उसको वी जी के पॉजिटिव चार्ज को कौन बैलेंस करेगा, इस तरफ आपका इलेक्ट्रॉन बैलेंस करेगा, ओके इन्वर्जन लेयर का इलेक्ट्रॉन। ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट केस है, आपको एक साथ दिख रहा होगा। यही चीज़ यहाँ पे बोला है कि जो बैलेंस वाली बात बोल रहा है वो ये बोली जा रही है कि बैलेंस बाई मेनली इलेक्ट्रॉन इन्वर्जन चार्जेस एंड हियर ऑनवर्ड्स कंट्रीब्यूशन और डिप्लीशन चार्जेस इज ऑलमोस्ट इग्नोर, और इसके बाद जो है वो डिप्लीशन चार्जेस मतलब इन एक्सेप्टर वाले चार्जेस का जो कंट्रीब्यूशन है उसको पूरी तरह इग्नोर हम कर सकते हैं। द मॉस कैपेसिटर इज सेट टू बी इन इन्वर्जन मोड, तो एक्चुअल में इन्वर्जन मोड ये होता है। फिर आता है कि इफ़ एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इन्वर्जन कैरियर पर यूनिट एरिया, तो अगर हम जो इन्वर्जर
चार्जेस हैं या फिर कैरियर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर उनकी गिनती को हम मान लें कि वो एन के इक्वल है पर यूनिट एरिया, ओके ये इंपॉर्टेंट है, पर यूनिट एरिया, तो कैपिटल एन इक्वल टू नंबर ऑफ इन्वर्जन कैरियर्स पर यूनिट एरिया, देन तब आपका क्यू इन्वर्जन जो होगा वो एन इंटू क्यू के इक्वल होगा, ठीक है, एन तो उनका नंबर है एक्चुअल, और क्योंकि एक सिंगल चार्ज के ऊपर चार्ज कितना होता है वो क्यू होता है, तो इस वजह से ये एन क्यू हो गया, और एन क्यू किसके इक्वल हो गया आपका, क्यू जो है एक्चुअल में जो क्यू डिप्लीशन था या क्यू इन्वर्जन था, सॉरी यहाँ से हाईलाइट करके देखते हैं, जो क्यू इन्वर्जन था वो आपका पता है कि सी नॉट एक्स और आपका वी जी माइनस वी टी एस के इक्वल था, ओके तो ये चीज़ यहाँ पे रहेगी। फिर बात करते हैं कुछ थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की, कैपेसिटेंस वोल्टेज सी वी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मॉस कैपेसिटर, या मॉस कैप जो है उसका सी वी कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, कैपेसिटेंस वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक, तो कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप की बात करते हैं। अब यहाँ पे आप ये याद रखेंगे, यहाँ पे एसी हम इंक्लूड करेंगे, एसी सप्लाई को इंक्लूड करेंगे, तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि एक एसी सप्लाई ली है वी जी इंटू साइन टू पाई एफ टी, एसी वोल्टेज है प्लस उसके संग डीसी भी लिया है, ये याद रखेंगे, ठीक है, वी कांट अप्लाई एसी अलोन, एसी को हम अकेले अप्लाई नहीं कर सकते, उसके संग डीसी भी लेना ही पड़ेगा, ठीक है, एक मॉस कैप के ऊपर, तो ये मॉस कैप है, ऊपर आपका ये गेट है और नीचे आपका ये बॉडी बोले तो या बेस, पी टाइप का सबस्ट्रेट है, या आपका थिकनेस है ऑक्साइड का टी नॉट एक्स, ये सारा आपका सेटअप है। तो यहाँ पे जो क्या बात कर रहा है कि डेल क्यू और डेल वी जो है वो हमें सी की वैल्यू देंगे एक्चुअल में, ओके ये आपको पता है कि सी इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू सी वी, सी इज इक्वल टू आपका क्यू बाई वी, तो आपका सी क्या हो जाएगा, डेल क्यू बाई डेल वी, क्यों, क्योंकि अब हमने एसी की बात कर दी और एसी में हम डिफरेंस के उसमें ही ये जो डिफरेंस है डेल्टा वी और डेल्टा क्यू इसी के टर्म में बात करते हैं, तो ये तो आपका सिंपल सा हो गया स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये हो गया डीसी लार्ज सिग्नल, डीसी एक्चुअल में लार्ज सिग्नल के फॉर्म में होता है और एसी इन दैट फॉर्म ऑफ स्मॉल सिग्नल हम ले रहे हैं, तो ये आपका एसी सिग्नल हमने इसके साथ में अप्लाई किया कुछ इस तरीके से, ओके तो लार्ज सिग्नल और डीसी वोल्टेज ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इस जगह पर्टिकुलर, लार्ज सिग्नल की अगर बात करें और डीसी वोल्टेज वी जी इस स्वेप फॉर्म में नेगेटिव वैल्यू टू अ पॉजिटिव वैल्यू, तो ये आपको साफ साफ दिख रहा है कि डीसी वोल्टेज स्वेप मतलब इधर से नेगेटिव वैल्यू से इधर जाते हुए पॉजिटिव वैल्यू तक ले जाया गया है, ओके आ स्मॉल सिग्नल एसी वोल्टेज, और एसी वोल्टेज आपका स्मॉल सिग्नल टाइप का है एट अ नॉन फ्रिक्वेंसी इज अप्लाइड ऑन डीसी वोल्टेज, और इसी डीसी वोल्टेज के ऊपर एक स्मॉल सिग्नल एसी वोल्टेज को हमने अप्लाई किया है, द स्मॉल सिग्नल कैपेसिटेंस इज मेजर्ड एज द रेशियो ऑफ चार्ज। अच्छा अब इसी वाले केस में जब हमने एक डीसी के ऊपर स्मॉल सिग्नल एसी को अप्लाई किया है तो वहाँ पर जो कैपेसिटेंस है उसको भी हम अब स्मॉल सिग्नल कैपेसिटेंस बोल रहे हैं, ओके और उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, तो बात करिए स्मॉल सिग्नल कैपेसिटेंस की, तो स्मॉल सिग्नल कैपेसिटेंस इज मेजर्ड एज द रेशियो ऑफ चार्ज रेस्पॉन्डिंग टू द अप्लाइड एसी सिग्नल, तो ये जो अप्लाइड एसी सिग्नल है इसके रेस्पॉन्ड में कितना चार्ज हमें मिल रहा है उसके रेशियो के इक्वल, तो सी इज इक्वल टू आपका डी क्यू अपॉन डी वी जी या फिर डेल क्यू अपॉन डेल वी या डेल वी जी भी बोल सकते हैं, तो इस तरीके से आपको ये कैपेसिटेंस मिलेगा जो कि क्या है स्मॉल सिग्नल कैपेसिटेंस है अपने आप में। लेट अस फर्स्ट कंसीडर अ मेटल इंसुलेटर मेटल कैपेसिटर, ओके तो फर्स्ट हम एक किस तरीके का कैपेसिटर लेते हैं, मेटल इंसुलेटर और मेटल टाइप का, देखो ये तो मेटल है सबको पता है, बट हमारा जो मॉस कैप होता है उसमें नीचे वाला चीज़ मेटल नहीं होता है वो जबकि एक सेमीकंडक्टर होता है, बट यहाँ पे उस सेमीकंडक्टर की जगह हम पहले स्टडी करने के लिए इसको एक मेटल ही लेते हैं, ठीक है, सेमीकंडक्टर नहीं मेटल, तो मेटल इंसुलेटर ये मेटल और ये आपका फिर से मेटल, इस तरीके का आपका एक कैपेसिटर लेते हैं, तो आपका ये किसके इक्वल हो गया, सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एक्स अपॉन टी नॉट एक्स, ओके एक्चुअल में क्या है क्योंकि सी अपॉन ए ही निकाल रहे हैं हम, ना कि ये, ठीक है, पर यूनिट एरिया निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे ए इस फॉर्मूले में आएगा ही नहीं, ओके तो डज नॉट वेरी विद वोल्टेज, तो आपका जो कैपेसिटेंस है वो वोल्टेज पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, अब आपने कितना भी वोल्टेज लगाया उस पर डिपेंड नहीं करता, तो आपका कैपेसिटेंस वोल्टेज का जो आपका कैरेक्टरिस्टिक आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन का आएगा सिंपल, और उसकी कांस्टेंट वैल्यू होगी एप्सिलॉन नॉट एक्स अपॉन टी नॉट एक्स, एकदम सिंपल है, यहाँ कुछ भी ऐसा अलग से बात नहीं है, तो ये जो पूरा टॉपिक ही था ये वाला जस्ट, ओके कौन सा कि भाई कैपेसिटेंस वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक, तो उसके आखिरी में क्या पता चला कि कैपेसिटेंस वोल्टेज पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा है, ओके फिर बात करते हैं, बट मॉस कैपेसिटर जो है हमारा वो डिफरेंटली बिहेव करेगा, क्यों, क्योंकि अभी हमने क्या लिया था, एक मेटल और ऑक्साइड मतलब इंसुलेटर और मेटल लिया था, ठीक है, मेटल इंसुलेटर और मेटल MIM इस तरीके का हमने एक डिवाइस लिया था, बट हम बात किसकी कर रहे हैं, मॉस कैप की, तो मॉस कैप थोड़ा अलग तरीके से बिहेव करेगा, तो फिर से यहाँ पे उसी को हमने वापस ले आया जो हमने पढ़ा हुआ है, एक्युमुलेशन मोड जब आपका वी जी वी एफ बी से कम है, फिर डिप्लीशन मोड जब आपका वी एफ बी और वी टी एच के बीच में है आपका वी जी, बट एक्चुअल में अगर बात करें ना, जैसे ये वी एफ बी है और ये वी टी एच है
और इनके बीच में आपका पूरे में आपको डिप्लीशन मोड मिलता है, बट एक्चुअल में देखा जाए तो थोड़े से एरिया में आपको इन्वर्जन मोड भी मिलता है, बट वो वीक इन्वर्जन मोड होता है। तो हम इसीलिए इसको पूरे को डिप्लीशन मोड कह देते हैं। और जब आपका वीजी वीटीएस से बड़ा होगा तो आपको इन्वर्जन मोड मिलेगा। ओके, ये समरी है, तीनों एक साथ यहाँ पे समराइज कर दिए गए हैं। ओके, एक्युमुलेशन मोड है आपका सिंपल, आपको क्योंकि हम नेगेटिव जो वीजी है वो हम वीएफबी से कम अप्लाई कर रहे हैं, तो एक नेगेटिव वोल्टेज वैल्यू का वीजी अप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए नेगेटिव चार्ज ऊपर आ गया। और नीचे क्योंकि ये पी टाइप है, पी टाइप क्या सप्लाई करेगा, होल्स को ही सप्लाई करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये सिंपल सा आपका हो गया, ठीक है, इसमें ज़्यादा लॉजिक वाली बात ही नहीं है। एक्युमुलेशन मोड में ये आपका पहला एक्युमुलेशन मोड है। और सेकेंड वाला केस लेते हैं डिप्लीशन मोड। यहाँ पे क्या होता है कि इसकी वीजी की वैल्यू को हम थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, तो वीजी इन बिटवीन है आपका, जो हमने ऊपर केस देखा है बीच वाला, जो वीएफबी से बड़ा पर वीटीएस से छोटा। तो नीचे तो आपका एक्सेप्टर आयंस आ गया और ऊपर लगभग समथिंग थोड़ा आपका पॉजिटिव चार्ज ही आ गया। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। बट यहाँ पे आपका दो कैपेसिटेंस बनते हैं, एक तो आपका ऑक्साइड का कैपेसिटेंस बनेगा ही बनेगा, ये जो ऑक्साइड है, और एक आपका जो डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो रहा है उसका भी कैपेसिटेंस बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख साफ साफ देख सकते हैं कि जो इधर जो होल है वो जस्ट इसके ऊपर ही बैठे हुए हैं, पर यहाँ पे जो आपका चार्जेज हैं वो अलग अलग थिकनेस में है। मतलब एक तो ऑक्साइड वाला आपका टी नॉट एक्स थिकनेस का है, और जो डिप्लीशन रीजन में ना उसकी खुद की भी कुछ विध है एक्स डी। तो इस वजह से यहाँ पे दो आपके कैपेसिटेंस क्रिएट होंगे, सी नॉट एक्स और आपका सी डिप्लीशन। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की अगर बात करेंगे तो वो सम होगा दोनों का, ये याद रखेंगे। 1/C इफेक्टिव, ये किस मोड की बात कर रहे हैं, डिप्लीशन मोड की बात कर रहे हैं। तो डिप्लीशन मोड में 1/C0x और 1/C डिप्लीशन के इक्वल है। ऐसे ही आप एक्युमुलेशन मोड की बात अगर करें, एक्युमुलेशन मोड में आपका जो सी इक्विवेलेंट है वो केवल C0x, मतलब सी ऑक्साइड के इक्वल है। ओके, εo(x)/T0x सिंपल। ओके, और ऐसा ही कैपेसिटेंस वैल्यू आपको सेम मिलेगी किसमें, इन्वर्जन मोड में। ओके, तो आप अगर देखें तो मैग्नीट्यूड कैपेसिटेंस वैल्यू का आपको बिल्कुल सेम मिलता है इन्वर्जन और एक्युमुलेशन में, बट साइन चेंज हो जाता है। अब देखो यहाँ पे सबको पता है कि हम मोर पॉजिटिव वैल्यू अप्लाई कर रहे हैं। ओके, और आप अगर देख भी सकते हैं तो ये मैंने ये ऑरेंज से इन्वर्स लिखा हुआ है, इसका मतलब आप जब इनके फिगर को मैच करेंगे एक्युमुलेशन और इन्वर्जन को, तो आपको चार्ज की पोलिटी बिल्कुल अपोजिट दिखाई देगी। तो यहाँ पे मोर वीजी, मोर पॉजिटिव वीजी को अप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ ऊपर तो पॉजिटिव, और यहाँ पे आपका ये नेगेटिव, जो आपके नेगेटिव एक्सेप्टर आयंस थे उनके जो फ्री चार्ज थे उनको ये आपका बाहर ले ले रहा है। तो आपका पी टाइप होके भी ये आपको इलेक्ट्रॉन्स को सप्लाई कर रहा है। तो ये आपका इन्वर्जन मोड इस तरीके से बना। ये आपके कैसे हैं, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जनरेशन रेट इज नॉट वेरी रैपिड। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि जो जनरेशन रेट है भी इनका इलेक्ट्रॉन्स का, वो भले ही बहुत ज़्यादा रैपिड नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस आपने देख लिया कि वो मैच कर रहा है, इन्वर्जन लेयर का इफेक्टिव कैपेसिटेंस आपका एक्युमुलेशन से मैच कर रहा है। अब कुछ बात कर लेते हैं लो फ्रिक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो वी आर स्वीपिंग डीसी वोल्टेज वेरी स्लोली, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे। ओके, थोड़ा सा इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने की कि हम जो डीसी वोल्टेज को स्वीप कर रहे हैं, मतलब जो ग्राफ बनाया था नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ऐसा, ओके, तो वो उसको काफ़ी स्लोली कर रहे हैं। एंड द एसी सिग्नल फ्रिक्वेंसी इज ऑल्सो वेरी लो, और यहाँ पर जो एसी सिग्नल फ्रिक्वेंसी है वो भी काफ़ी कम है। अच्छा, इसका हेडिंग ये लो फ्रिक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक। ओके, तो यहाँ पर जो हम काफ़ी स्लोली डीसी को स्वीप कर रहे हैं और आपका जो एसी सिग्नल फ्रिक्वेंसी है वो भी काफ़ी कम है। ओके, स्पीड भी कम है और आपका सिग्नल की फ्रिक्वेंसी भी कम है। विच इंडिकेट्स इन इन्वर्जन मोड इलेक्ट्रॉन हैज सफिशेंट टाइम। इसका मतलब क्या है कि अगर आप लो फ्रिक्वेंसी पर ऑपरेट करेंगे मॉस कैप को, तो इन्वर्जन मोड में इलेक्ट्रॉन्स के पास सफिशेंट टाइम होगा रिस्पॉन्ड करने के लिए चेंज इन वोल्टेज को। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने ऊपर देखा इन्वर्जन मोड में जो इलेक्ट्रॉन निकल के आते हैं वो बहुत ज़्यादा रैपिड नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा रैपिड है, तो वहाँ पे हमको टाइम चाहिए। जो हम सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं वोल्टेज, वो थोड़ा स्लो होना चाहिए और कम फ्रिक्वेंसी का होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे जो ग्राफ बात करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्राफ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वीजी जो है इस तरफ वो लेस देन वीएफबी है, ये वीएफबी वाला पॉइंट है, ये वीडीएच वाला पॉइंट है, और फिर ये फर्दर आगे है, ठीक है, वीजी इधर वोल्ट में है। तो जब आप इधर बात करेंगे वीएफबी से पहले, तो आपको अकोमुलेशन रीजन मिलता है बहुत सिंपल सा। ओके, तो कैपेसिटर जो वैल्यू है, कैपेसिटेंस वैल्यू वी के आपका प्रोपोर्शनल है ही नहीं, मतलब एक स्ट्रेट लाइन की तरह कॉन्स्टेंट। फिर आपका वो नीचे गिरना शुरू हो गई, मतलब कैपेसिटेंस और हम वी का जब बना रहे ग्राफ, ठीक है, ये इस वाले एक्सिस पे आपका कैपेसिटेंस है और इधर आपका ये वीजी है गेट वोल्टेज। तो जब ये ऐसे नीचे जाना शुरू हो गया, पर कब तक जाएगा, पूरे के पूरे वीटीएस तक जाएगा, जब तक आप वीटीएस नहीं दोगे। तो ये आपका डिप्लीशन रीजन हो गया, ये यहाँ पे डिप्लीशन रीजन लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको सी नॉट एक्स मिलेगा, उसके बाद आपको वीटीएच के और आगे। अच्छा, यहाँ पे एक थोड़ा सा करेक्शन है कि हम मैंने जो बोला था कि वीएफबी और वीटीएच, जैसे वीएफबी है ये वीटीएच है,
तो VTH के थोड़ा पहले आपको इधर मिलना शुरू हो जाता है वीक इन्वर्जन लेयर पर। ऐसा नहीं है इसमें पूरे में डिप्लीशन मिलता है, मतलब इसके थोड़ा बाद में वीक मिलता है, वीक इन्वर्जन लेयर मिलता है, पर उसको पूरे को हम डिप्लीशन बोलते हैं। मतलब थोड़ा सा अगर अंदर जाके देखें तो आपका VTH VG जो है अगर वो VTH से थोड़ा सा भी बड़ा है, मतलब VTH 5 वोल्ट है और आप अगर 5.2 वोल्ट भी दे रहे हैं तो भी आपको वो डिप्लीशन रीजन ही देगा, ना कि इन्वर्जन देगा। ओके, तो इस ग्राफ से यही पता चल रहा है। तो आपको वीक इन्वर्जन मिलेगा, तो स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन के लिए आपको VTH से और ज़्यादा वैल्यू लगानी पड़ेगी। मान लो VTH 5 वोल्ट वैल्यू है तो आपको करीब करीब 6 वोल्ट या उससे ज़्यादा वैल्यू लगाओगे तब आपको स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन मिलेगा। ओके, तो ये आपको स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन यहाँ पे मिलना है। तो ये पूरा का पूरा आपका इन्वर्जन लेयर है, इन्वर्जन रीजन है, बट आपका ये वीक इन्वर्जन रीजन है। ओके, तो इसको हम एज ए डिप्लीशन ही कंसिडर कर सकते हैं। मतलब एक्चुअली में तो देखें तो थ्योरेटिकली आपका ये इन्वर्जन रीजन है, ये वाला ये रीजन, बट ये आपका जैसा डिप्लीशन का ये ग्राफ नीचे जा रहा है ये ऊपर जा रहा है, बट फिर भी ये स्लोप में है, कॉन्स्टेंट नहीं है, और फिर से आपका ग्राफ एज अ एक कॉन्स्टेंट की तरह बन जाएगा जब आपको स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन मिल जाएगा। ओके, तो ये कुछ इस तरीके का ग्राफ है। ये किसके लिए है? लो फ्रिक्वेंसी के लिए, आपका लो फ्रिक्वेंसी करेक्टरिस्टिक है। अब हाई फ्रिक्वेंसी करेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि जो एसी सिग्नल फ्रिक्वेंसी है उसको हमने बढ़ा दिया है। जब उसको बढ़ा देंगे तो एकुमुलेशन रीजन मिलेगा, ओके, VFB और VTH के बीच में आपको डिप्लीशन रीजन मिलेगा इस तरीके से, ओके, बट अब आपको वीक इन्वर्जन लेयर नहीं मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि आपने फ्रिक्वेंसी को बढ़ा दिया सिग्नल की, तो आपको इस तरीके से इन्वर्जन लेयर मिलेगा बट कम वैल्यू का मिलेगा। ओके, जो आपको कैपेसिटेंस मिल रहा है आप पूरा देख सकते हैं कि VTH के आगे ये जो कैपेसिटेंस की वैल्यू पहले ऐसी होती थी, अब आपको लो कैपेसिटेंस वैल्यू मिलेगी क्योंकि आपने हाई फ्रिक्वेंसी का सिग्नल लगाया है। इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट गेट इनफ टाइम टू बी जनरेटेड। ओके, इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट गेट इनफ टाइम टू बी जनरेटेड, मेन चीज़ यहाँ पे ये है कि इलेक्ट्रॉन्स के पास जनरेट होने के लिए इनफ टाइम नहीं है। तो आपका कैपेसिटेंस की वैल्यू, कैपेसिटेंस एक्चुअली में चार्ज पे डिपेंड करता है, चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो यही चीज़ है कि इन्वर्जन लेयर हैज़ फॉर्म्ड बट इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एबल टू बी टू गेट टू द इंटरफेस इन टाइम। मतलब वही वाली सेम बात कि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एबल टू बी जनरेटेड टू रिस्पॉन्ड टू द एसी सिग्नल, सो डिवाइस थिंग्स ऑफ एज डिप्लीशन मोड एंड कैपेसिटेंस वैल्यू इज पिंड एट डिप्लीशन मोड कैपेसिटेंस वैल्यू। ठीक है, तो डिवाइस एज एक किसकी तरह एक सोचेगी या काम करेगी? डिप्लीशन मोड की तरह। आप देख सकते हैं कि पीछे वाले केस में तो ये वैल्यू ऊपर जा रही थी और फिर इसको टच कर रही थी, पर ये वैल्यू जो है ये वाली, ये डिप्लीशन मोड की वैल्यू है कैपेसिटेंस की, और वो उसी पे पिन होके रह जाएगी। वो कहने का मतलब है कि इसी पे ही पिन होके रह गई है, तो ये याद रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं डीप डिप्लीशन कैरेक्टरिस्टिक्स। तब डीसी वोल्टेज स्वीप रेट इज़ वेरी हाई। यहाँ पे जो डीसी वोल्टेज का स्वीप रेट है उसको भी हमने बहुत ज़्यादा कर दिया है। ओके, मतलब पहले ऊपर वाले केस में हमने क्या किया था, केवल एसी जो था उसके फ्रीक्वेंसी को हाई किया था। दो चीज़ें थी, एक डीसी का स्पीड है और एक एसी की फ्रीक्वेंसी है। तो केस वन में दोनों चीज़ें कम हैं जो डिज़ायरेबल हैं, ठीक है, केस वन में दोनों चीज़ें लो हैं। केस टू की अगर बात करें तो हमने क्या किया, एसी की फ्रीक्वेंसी को तो बढ़ा दिया है बट स्पीड हमारी अब भी कम है। और केस थ्री में क्या किया है कि हमने दोनों को ही बढ़ा दिया, एसी की फ्रीक्वेंसी को भी बढ़ा दिया और डीसी की स्पीड को भी बढ़ा दिया। तो डीसी वोल्टेज स्वीप रेट इज़ वेरी हाई एंड हाई फ्रिक्वेंसी एसी इज़ यूज। अब क्या होगा आपका, ये इस तरीके से ऐसे जाएगा, ठीक है, ये तो एक्युमुलेशन मोड हो गया, ये डिप्लीशन मोड हो गया। अब इसके बाद ये कॉन्स्टेंट ना होने की बजाय और गिरना शुरू कर देगा। मतलब आपको अब और ज़्यादा कैपेसिटेंस की कम वैल्यू मिलेगी। क्यों? क्योंकि अब बिल्कुल ही इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट होने का टाइम नहीं मिल पाएगा, तो आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू एक कॉन्स्टेंट वैल्यू नहीं मिलकर गिरती जाएगी इस तरीके से। ओके, डीप डिप्लीशन बन जाएगा। हाई फ्रिक्वेंसी हाई वोल्टेज स्वीप रेट की अगर बात करें तो आपका इसका सीधा सा मतलब मीन्स मोर एंड मोर डिप्लीशन मोड। जितना ही ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी, जितना ही आपका हाई डीसी वोल्टेज स्वीप रेट होगा, उतना ही आपका डिप्लीशन मोड मिलेगा, ना कि इन्वर्जन मोड मिलेगा। तो डीप डिप्लीशन मोड, तो ये जो चीज़ इधर हाईलाइटेड है ये डीप डिप्लीशन मोड है। ओके, फिर बात करते हैं द डीसी स्वीप रेट इज सो फास्ट। डीसी स्वीप रेट आपका इतना फास्ट है तो हमने देखा ही है इस केस में, दैट द इन्वर्जन लेयर इटसेल्फ डज नॉट फॉर्म। इन्वर्जन लेयर बनी नहीं पाएगी फास्ट एनफ। द चेंज सॉरी चार्ज ऑन गेट इज बैलेंस बाई एन इंक्रीज इन डिप्लीशन विड्थ। तो अब जो चार्ज गेट का है, मतलब आप गेट के थ्रू पॉजिटिव चार्ज अप्लाई कर रहे हैं, मतलब ये मेटल है, ये मेटल वाली प्लेट है, बीच में ऑक्साइड है और इधर आपका सेमीकंडक्टर है। तो अब इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या होगा, सीधे सीधे आपका डिप्लीशन रीजन का जो विद है, मतलब ये नेगेटिव एक्सेप्टर आयन से ये इसको बैलेंस करेंगे आप, इसकी विद को बढ़ाते हुए, ठीक है, डिप्लीशन रीजन की विद को बढ़ाते हुए इसको बैलेंस करेंगे। अगर बात करते हैं कि ऑल थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स इन सिंपल ग्राफ, तो
या आपका एक्युमुलेशन रीजन हो गया, या आपका डिप्लीशन रीजन हो गया। फिर इसी में तीन केस अलग आ रहे हैं, मतलब डिप्लीशन रीजन के बाद, मतलब VTH के बाद आपके तीन अलग अलग केस आ रहे हैं। एक तो आपका ये नॉर्मल वाला हो गया, वीक इन्वर्जन, मतलब लो फ्रिक्वेंसी करेक्टरिस्टिक के लिए। एक आपका हाई फ्रिक्वेंसी करेक्टरिस्टिक के लिए। अब ये जो दोनों केस हैं, इसमें आपका DC का वोल्टेज का स्वीप रेट अभी भी लेस है। ओके, ये आपका दूसरा केस हो गया। और तीसरा केस की जो बात करेंगे, जब आपका DC स्वीप रेट को भी बढ़ा देंगे तो डीप डिप्लीशन आपको मिलेगा कुछ इस तरीके से। ओके, ये आपका डीप डिप्लीशन करेक्टरिस्टिक आपको मिला हुआ है। फास्ट स्वीप रेट कर देंगे जब DC वोल्टेज का। और फर्स्ट मॉस कैपेसिटर हैविंग पी टाइप सब्सट्रेट की बात कर रहे हैं। ये याद रखेंगे, ये जो ग्राफ है ओके, ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा जब आप एन टाइप सब्सट्रेट को लेके बात करेंगे, तो उसको भी देख लेते हैं। पहले देखते हैं एक्युमुलेशन मोड के लिए सी इफेक्टिव आपका इतना था, C0x = εo(t0x)। हम देख चुके हैं केस वन, डिप्लीशन में वो सम हो जाता है दो का, ठीक है, C0x 1/C depletion इस तरीके से। तो 1/C depletion आपका XT/εo बन जाता है। मतलब फॉर्मूला वही रहेगा कि आपका यहाँ पे भी ये विद है और ये भी एक तरीके की विद है XT। तो XD जहाँ पे क्या है, XT इज आपका ये है, ओके, √2εs/QNA और φS। तो ये XT को यूज़ कर लेना है। और इन्वर्जन मोड की जब बात करेंगे लो फ्रिक्वेंसी के लिए, तो आपका सी इफेक्टिव इसके इक्वल है C0x/εo(t0x), जो कि आपका सी एक्युमुलेशन वाला जो केस था उसके इक्वल है बिल्कुल, थर्ड का ए पार्ट। और जब आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे तो फिर से यहाँ पे क्या दे देगा आपको, ये वो दो चीज़ दे देगा, एक तो नॉर्मल जो होता है आपका कैपेसिटेंस, एक आपको जो डिप्लीशन रीजन की वजह से बनता है। मतलब जो केस थ्री क्या है ना, कि ये होना तो चाहिए था इन्वर्जन वाला केस, बट क्योंकि इसमें थर्ड का बी केस है, हाई फ्रिक्वेंसी होने की वजह से ये आपका डिप्लीशन टाइप का केस ही बन गया। तो ये जो आपको सी इफेक्टिव मिल रहा है, ये सी डिप्लीशन वाले केस के लगभग इक्वल मिल रहा है। अब बात करते हैं मॉसकैप अगर है ओके, और वो एन टाइप का सब्सट्रेट है, तो आपका किस तरीके का ग्राफ होगा ओके, वो देखते हैं। तो ग्राफ आपका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, मतलब आपका अब एक्युमुलेशन मोड इधर बनेगा ओके, एक्युमुलेशन रीजन ये देख सकते हैं। उसके बाद ये आपका नॉर्मल सा डिप्लीशन रीजन, ठीक है, ये डिप्लीशन रीजन है, कोई दिक्कत नहीं। और अब आपका जो VTH है वो आप इधर बनाएंगे लेफ्ट में, ना कि राइट में। VFB आपका इधर हो गया राइट में, और फिर इधर से फिर वही उसी तरीके से सेम केस, ये ग्राफ ऊपर उठेगा आगे जाएगा, सिंपल केस, ये कांस्टेंट चला जाएगा ये दूसरा वाला केस, और ये आपका डीप डिप्लीशन में चला जाएगा ये तीसरा वाला केस। तो अगर एन टाइप का सब्सट्रेट लेंगे तो आपका VTH, आपको बस इतना याद रखना है कि VTH आपका लेफ्ट में होगा, और पी टाइप का सब्सट्रेट लेंगे पी टाइप के लिए आपका राइट में होगा VTH, और एन टाइप के सब्सट्रेट के लिए लेफ्ट में होगा। और आपको ये पहले से पता है कि जो भी ग्राफ में चेंज आने हैं वो VTH के बाद आने हैं, जब आप VTH को क्रॉस करेंगे ओके। अब एन टाइप सब्सट्रेट का सीधा सा क्या मतलब है, कि आपका जो VG है ना, VG की आप नेगेटिव वैल्यू को अप्लाई कर रहे हैं ओके। यहीं पे आपका मॉसकैप खत्म होता है, उसके बाद हम नेक्स्ट में देखेंगे FET, मतलब MOSFET।